And this looks good. Orange है, attractive है और है बस लग रहा है अच्छा तो लग रहा है मैं पहन लिया. So very good morning to all of you. It's not a regular Sunday, right? Because this is not Sunday. आज हम थोड़ी सी एक छोटी सी एक्टिविटी करने जा रहे हैं. एक वॉल स्ट्रीट है वहाँ पे पेंटिंग चल रही है. वो एक मैसेजेस क्रिएट करते हैं थ्रू दे पेंटिंग्स. तो वहाँ चलेंगे उनसे पूछेंगे. तो अभी टाइम हुआ है ऑलमोस्ट 8 o'clock इन द मॉर्निंग. वहाँ चलेंगे उनसे बात करेंगे देखते हैं क्या होता है. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on. जोर से देख लो और पहुंच जाना. मिरर इमेज आएगी तो थोड़ा कांच में करके देखना स्पेलिंग सही से. जिन्होंने हमें यहाँ पे बुलाया अभी इंट्रोड्यूस करवाएगी सबसे. और जेनी आप जानते ही होंगे, वो मूवी देखी रणबीर कपूर वाली, वही जेनी है. बस थोड़ा खा पी के मोटी हो गई है, शक्ल चेंज हो गई है. बाकी जेनी वही सेम है जिसको हम प्यार से कैटरीना कैफ बुलाते हैं. बाकी है ये छोटा वर्जन मिनी कैटरीना कैफ जेनी. तो अभी ये मिलाएंगे जो फाउंडर है यहाँ के, राहुल भैया नाम है उनसे. वो हमें थोड़ा रक्षक के बारे में बताएंगे, रक्षक क्या है और उनको ये रक्षक फाउंड करने की प्रेरणा कहाँ से मिली. और एक्सपायर जो भी है वो राहुल भैया ही बताएंगे, मैं तो क्या बताऊँ ज़्यादा. तब तक के लिए बस डोमेन एंड थोड़ा इनको भी फेम दिला देते हैं. यार सुन, तो ये नासिर भाई है हमारे, ये हमें बताएंगे जब ये कितना फाउंडेशन किया, आप यहाँ क्या करना चाहते हो, आपके गोल्स क्या है, आपको स्पॉन्सर्स कहाँ से मिले, कितने बच्चे हैं एंड एक्सपायर टू भी है. डॉक्टर नासिर भाई, तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं 13,000 square feet की दीवार है जिसपे आज से 2 महीने पहले हम लोगों ने डिसाइड किया था, प्लानिंग की थी. रक्षक फाउंडेशन जो कि वुमेन सेफ्टी के लिए काम करती है एंड श्रीजान कम्युनिटी जो कि आर्ट कम्युनिटी को प्रमोट करती है, उसके साथ में उड़ान फाउंडेशन का हम लोगों को पूरा सपोर्ट रहा है, सारी लीगल परमिशंस एंड ऑल का. ब्लैक एंड वाइट हमारे यहाँ पे फूड स्पॉन्सर्स है, पायरेट्स कैफे से एज वेल एज फूड आता है यहाँ पे. एंड मरुधर पेंट्स जो कि है पूरा का पूरा होलसेल पेंट्स प्रोवाइड करा रहे हैं हम लोगों को, आर्टिस्ट को, जोधपुर के लोकल आर्टिस्ट एज वेल एज FDDI के आर्टिस्ट जो कि है यहाँ पे आर्ट दिखा रही है अपना. 120 लोगों की पूरी टीम यहाँ पे पूरे 12 दिनों से काम कर रही है. 10 तारीख को यहाँ का आरंभ किया था इस बॉल का हम लोगों ने एंड होपफुली 2 दिनों के अंदर हम लोग ये कार्य पूरा कर लेंगे. हम लोगों का बेसिकली लॉजिक ये इस पूरे इवेंट के पीछे के लोग सोशली अवेयरनेस के लिए जागरूक हो जाएं, बेटी बचाओ, पानी बचाओ, वुमेन सेफ्टी एंड वुमेन एम्पावरमेंट, इन सारी चीज़ों पे, समस्याओं पे, ब्लड डोनेशन पे हम लोग काम कर रहे हैं जिन पे पूरी की पूरी 30 वॉल्स पे पेंटिंग की गई है. थैंक यू. मैंने आपको दिखाई थी पूरी वॉल, आपने देखी भी होगी. अभी जो भी नासिर भाई ने बोला सारे मैसेजेस क्लियर है पेंटिंग्स में.
तो आपको एक बार थोड़ा थोड़ा एलोब्रेट भी कर देंगे, एक दो चार पेंटिंग्स को क्लियर बता देंगे दैट ये पेंटिंग क्या मैसेज दे रही है। आपको पीछे वॉल दिख रही होगी, आप उस वॉल के आर्टिस्ट से मिलाते हैं, वो सब्जी वाला अलग था, मैं पीछे वॉल की बात कर रहा हूँ जो आप पेंटिंग देख रहे हो, मैं आर्टिस्ट से मिलाता हूँ, वो बताएंगे आपको वॉल के बारे में अपने। हेलो ऋषि, से व्हाट डू यू वांट टू आस्क, एनीथिंग अबाउट योर वॉल, अबाउट योर पेंटिंग, आपने कैसे बनाई, कितने दिन लगे आपको, एक्सपेक्टेड जो भी। सो इट्स माय सेकंड एक्सपीरियंस ऑन द वॉल एंड आई क्रिएटेड हियर द बनारस का घाट विच सम पीपल कैन गेस और नॉट आफ्टर कंप्लीट। मुझे नहीं, मुझे तो किला लगा था दूर से, आई एम बीइंग वेरी वेरी फ्रैंक। इट्स ओके ब्रदर। सो मोस्टली मैंने 3D कॉन्सेप्ट देने का ट्राई किया है जो पास में से इतना रियलिस्टिक नहीं लगेगा, दूर से ज़्यादा रियलिस्टिक लगेगा। एंड द मोटिव इज़ जितना गंदा अपन गंगा को कर रहे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ अपनी पेंटिंग के थ्रू उससे ग्रीन करना या शायद क्लीन करने का मैसेज देने की कोशिश करूँगा। सो इफ यू कैन सी देयर इज़ अ वेव कमिंग, सो दैट्स द मोटिव। एंड आई एम गोइंग टू राइट द नमामि गंगे विच इज़ हैज़ मोदी टैग। तो कुल मिला के ये पेंटिंग ये वॉल मोदी जी तक पहुंचानी है, यही बात है ना, और पूरे इंडिया में पहुंचानी है, और क्लीनलीनेस का वो देना है डेट भाई, क्लीन रखो, गंदा मत करो, नदियाँ वगैरह आप ये काम छोड़ दो बस, सुधर जाओ, सुधर जाओ बस, यही कहना। मैं भी आपको वॉल अच्छे से दिखाऊंगा एकदम क्लोज अप लुक। थैंक यू, वेलकम। शिकायत है क्योंकि इनका वो जो डिस्पोजल वाला जो यहाँ पे आ रहा है वो स्पॉन्सर है, और उस डिस्पोजल के स्पॉन्सर को ऐड बिल्कुल नहीं मिला है, तो ये बताना चाहती है कि मेरे यहाँ से ग्लव्स आ रहे हैं, डिस्पोजल आ रहा है, बहुत कुछ आ रहा है, बट आप उसको बताओ, उसको उसको कृपया करके गुप्त दान नहीं रखे, सबको पता चल जाए कि वो स्पॉन्सर यहाँ से हो रहा है, मेहता सेल से, मेहता सेल। Sorry, it's DJ. बहुत सही है यार, ये मैसेज है, समझा दो, थोड़ा समझा दो मैसेज। एक वुमेन से पूरी फैमिली बनती है, सो लाइक ये मैसेज है मेनली कि वी शुड नॉट किल, कहते हैं पेट में नहीं मारना चाहिए बच्चों को, वो वाला मैसेज है, कि इसमें साफ दिख रहा है कि वुमेन है उसके अंदर उसकी फैमिली है, जैसे हमारे मेरे को मत ले, जैसे जेनी देख रही है, सबको देखने दो, चिपको मोमेंट जेनी, थोड़ी थोड़ा सा चिपक के बताओ वहाँ पे, चिपको और साथ में कट जाओ, कट जाओ साथ में, बट पेड़ मत कटने दो। नो अभी बहुत ज़्यादा क्लाइमेटिक चेंजेस आ रहे हैं जस्ट बिकॉज ट्रीज कट रहे हैं, उसके वजह से लाइक नवंबर के मौसम में बारिश चल रही है मुंबई पुणे वगैरह में, अभी रिसेंटली मुंबई में हुआ भी है ना, एग्जैक्टली बहुत ज़्यादा, लेकिन ना हर जगह कुछ ना कुछ हो रहा है, डिजास्टर हो रहा है कुछ ना कुछ, तो एक ये मोटिव है कि जितना ट्रीज बचा सकते हैं बचाए, क्यों, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से बहुत नुकसान हो रहा है, तो गाइस प्लीज बचाओ प्लीज। अगर आपको ये पढ़ना है तो आपको मेरा फोन मिरर के सामने ले जाना पड़ेगा, तभी आप इसको पढ़ पाओगे, अदरवाइज नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि ये पूरा मिरर ही में जा रहा है, तो आपको मिरर के सामने ले जा बिना आप नहीं पढ़ पाओगे। ये स्पेशली फॉर द राइडर्स, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, और वो पूछे हैं कि थोड़ा अगर आपकी गाड़ी धुआं करती है तो PUC टाइम पे करा लेना भाई, अदरवाइज चालान भी कट जाएगा और माहौल भी गंदा है, बिल्कुल अच्छा नहीं है, बिल्कुल अच्छा नहीं है, चालान तो कोई नहीं कटवा देंगे, नहीं चालान की बात करनी पड़ेगा भाई, पैसा भी मैटर करता है। और ये भाई का सर फूट गया है बिकॉज ही वाज ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग, तो अगर आपको भी सर नहीं फूटवाना है तो
don't drink and drive. Follow these artists for some great artistic views. बिल्कुल इनको follow कीजिएगा. These are artists who made this one. So this fall is about we love Jodhpur. We all love Jodhpur basically. यार कौन कौन जोधपुर से लव करता है? हेलो हेलो नेम ये तो मैं बहुत देर से देख रहा हूँ आपको. ये आप ऊपर चढ़ के पेंटिंग कर रहे हो तो टेल मी समथिंग अबाउट दिस वॉल एंड एनीथिंग अबाउट दिस लाइक व्हाट यू वुड लाइक टू शेयर योर वर्ड्स ऑन इन फ्रंट ऑफ कैमरा. ये वॉल मतलब जोधपुर के लोगों के लिए है. जैसा कि जोधपुर के लोग बहुत कलरफुल रहना पसंद करते हैं. ये वॉल भी हमने पूरी कलरफुल की है और इसमें हमने दो तीन नहीं मतलब 10-15 लोग हैं जो इस वॉल पे लगे हुए हैं. सिंगल वॉल सिंगल आइडिया इनका था. बहुत अच्छा आइडिया था. मतलब इसका आइडिया था उसको मैंने थोड़ा सा चेंज किया है. मतलब जयपुर में भी ऐसा कुछ था जिसको हमने थोड़ा सा चेंज करके कि राजस्थान में जोधपुर जयपुर है तो इस थीम को लेकर हमने ये बनाया वॉल. मतलब ताकि इस पिक्चर को लेकर सब लोग एक्साइटेड हो कि हाँ वो जोधपुर है या कोई भी बाहर से आए तो उनको अच्छा लगे कि जैसे वॉल पे लिखा हुआ है वी लव जोधपुर तो हाउ मच यू लव जोधपुर लाइक दिस मच और दिस मच. सारे साल इसलिए अलग अलग पेंटिंग लाइक जोधपुर बहुत कलरफुल है. ठीक है सब जगह अलग अलग रंग. ब्लू सिटी भी बोलते हैं. ब्लू सिटी तो है ही है वो तो है. सारे लोग यहाँ पर रहते हैं साथ में रहना नेचर जोधपुर का आप कहीं पर देखेंगे सबसे ज़्यादा अच्छा मिलेगा. ठीक है हेल्प करने में सबसे आगे. ठीक है सब कलरफुल एकदम मस्त होते हैं. सब देखना सब अलग अलग कलर के लोग सब साथ सबसे मीठी बोली मीठी बोली बिल्कुल बिल्कुल जोधपुर वालों की है. और जोधपुर में भी सबसे मीठी बोली इसकी है जेनी मेहता. बहुत ज़्यादा मीठी और वाइट है वही ढूंढ रहा हूँ. ये आप ये देख रहे हो आंटी जी को. अरे आंटी जी नागौर से आए हो देखो तो सही. आंटी जी नागौर से आए थे. खैर जेनी ने बोला कि बोलो आंटी जी नागौर से आया तो मैंने बोल भी दिया. खैर ये ब्लॉग का कंटेंट बढ़ाने के लिए मैंने कहा यार कुछ थोड़ा अच्छा खासा तो ब्लॉग हो. आंटी जी को जबरदस्ती हमने नागौर बेच के वापस भी बुला लिया. क्या हुआ? अच्छा सामने गली में बोलता है बंदा झूठ बोलता है. नागौर सामने गली में ही तो है आंटी जी. मैं वो हम उसको नागौर ही बोलते हैं. नागौर तो आंटी तो अभी हम चल रहे हैं आंटी जी के बच्चों के पास. आंटी जी बोले कि उनका भी वीडियो बनाओ तो हम तो आंटी जी की बहुत अच्छी फोटो आ रही है. हाँ गंदी आ रही है क्या आंटी जी? नहीं 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 बहुत अच्छी फोटो है आंटी जी. मैं गंदी दिख रही हूँ यार? बिल्कुल गंदी नहीं दिख रहा हूँ. आप बहुत सबसे खूबसूरत आप ही हो यहाँ पे. मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी इन जोधपुर. अभी आंटी जी के बच्चों के पास चल रहे हैं उनका भी आ रही है ना. सीख रहा हूँ ना मैं. सीखूँगा. ये जो वॉल है वो बनाई है आंटी जी के बच्चों ने. अभी हम आंटी जी के बच्चों से भी पूछेंगे दैट क्या ब्लॉग है उसका क्या उसका मीनिंग है उसमें क्या सोशल आप मैसेज देना चाहते हो वो पूछेंगे अभी इनसे. अभी वो ऊपर चढ़े हुए हैं दो मिनट में नीचे उतरेंगे. हम उनसे कुछ बातचीत करेंगे पूछेंगे तो आने दो उनको नीचे. वेट करते हैं उनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे ज़्यादा. जब भी नीचे आएंगे तो उनसे बात करेंगे. आई एम हाफ वे ऑन द लैडर. ये आर्टिस्ट है इस वॉल की. ये बताएंगे इस वॉल के बारे में क्या मैसेज दे रही है इनकी वॉल और कितने दिन से लगे हुए हैं इस वॉल पे. तो गो अहेड. हम तीन ग्रुप है. तीन का ग्रुप है हमारे. आज एक भैया आए हैं. हम दो हैं जेएनयू कॉलेज से हैं और हमने ये वेदर सम का टॉपिक चुना है क्योंकि आज के टाइम में वेदर सम कई सारे माँ बाप को वेदर सम उन लोगों के लिए जिनको रियल में उनकी ज़रूरत होती है जिनका कोई परिवार नहीं होता. बट आज के ज़माने में जिनका परिवार होते हुए भी उनको वृद्धाश्रम में जाके रहना पड़ता है. एक बार मैंने जाके देखा भी था वृद्धाश्रम में तो वहाँ पे
जब उनकी स्टोरी सुनी ना रियल में लगा कि इनके लिए ये घर ठीक नहीं है, बट इनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। इसलिए हम वैसे तो लोग समझना चाहे तो कुछ समझ सकते हैं, बट फिर भी हम ये संदेश देना चाहता था कि वो इसके प्रति जागरूक हो। तो स्पेशली टू द टूडेज यूथ दैट आप अपने माता पिता के जो भी सेक्रीफाइसेस है उनको मत भूलिए, चाहे कुछ भी हो जाए। उन्होंने जो किया है वो कोई भी नहीं कर पाएगा आप लोगों के लिए, नेवर। तो उनका ध्यान रखे, चाहे कुछ भी हो जाए उनको कभी नहीं भूले लाइफ में, वो उनका बुढ़ापे का सहारा बने। तो यही एक सिंपल सा मैसेज है जो ये अपनी पेंटिंग के थ्रू देना चाहते हैं, अपने बड़े बुजुर्गों का जो सेक्रीफाइस है उनको कभी नहीं भूला। दैट्स इट, थैंक यू, वेलकम। शी इज ऑल्सो द वन जिन्होंने ये वॉल में हेल्प की है। घोड़ा पकड़ के खड़ा है, हेल्प मी डैड, हम कोई गिरे नहीं। तो ये ऊपर चढ़ जाते हैं और भी भाई का वीडियो बनाना है। तो ये शान भाई है हमारे, शान जोशी, आप देख सकते हैं इंडियन फ्लैग बना रहे हैं, शान जोशी जी। बहुत जोश है इनमें, सुबह से लगे हुए हैं, ये आर्म फोर्सेस के दीवार पे काम कर रहे हैं। ओके, अब शान भाई कुछ बताएंगे क्या? आर्टिस्ट लोगों की ये बात तो है यार, जो लंबे बाल वाला है ना समझ लो वो आर्टिस्ट है, बस बात खत्म हो गई। मुस्कुराहट देखिए शान भाई की, वो दिखाई नहीं रहे, वो उधर पेंटिंग कर रहे हैं, मुस्कुराहट दिखाई नहीं रहे। अपोजिट लाइट पे खड़े ना इसकी। शान भाई आप कौन सी वॉल पे काम कर रहे हो और आपका विजन क्या है इस वॉल को लेके? ये वॉल है आर्म फोर्सेस के लिए, अभी जो जितनी भी अपनी डिफेंस है, अपनी फोर्सेस है, सबको एक साथ खड़ा करके बनाया गया, कोई अलग नहीं है। किसी को पता पड़े किस तरह की किस काइंड ऑफ की फोर्सेस है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और पुलिस, CRPF, नेवी, लाइन कमांडो। हाँ, इससे क्या है उनके बच्चे साथ में खड़े किए हैं ताकि उनको ये लगे कि उनमें वो एकता है कि भाई अपने बच्चों को वो डिफरेंट डिफेंस में भी डाल के वो अपना बता रहे हैं कि हम लोग एक हैं। देखो कितना डेडिकेशन है, वो पेंटिंग भी किया जा रहा है, इंटरव्यू भी दिए जा रहे हैं, बट अपने काम को नहीं छोड़ना, चाहे कुछ भी हो जाए। दैट्स इट, उनके पास जब इंडिया के ध्वज की हो तो कुछ भी चीज़ ज़रूरी नहीं। तो शान भाई अभी बना रहे हैं इंडिया का झंडा आर्म फोर्सेस के बीच, अभी आधा अधूरा है, पेंटिंग चल रही है, आपको एक दो दिन बाद में आके जब पूरी वॉल कम्प्लीट हो जाएगी हम आपको दिखाएंगे क्या चल रहा है। तब तक के लिए भैया को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करते हैं, बनाने देते हैं। मैं भी बहुत मुश्किल से खड़ा हूँ, मैं गिरने वाला हूँ ऑलमोस्ट, तो नीचे उतर जाता हूँ जल्दी। ओके शान भाई, थैंक यू सो मच, मिलेंगे आपसे वापस। तो ये राहुल भाई है इस रक्षक ग्रुप पे फाउंडेशन, इन्होंने अराउंड जैसा कि मैंने सुना है 2 साल पहले ये फाउंडेशन स्टार्ट की थी। तो इन्होंने क्या सोच के फाउंडेशन स्टार्ट किया, क्या सोशल मैसेजेस देना चाहते थे, और जो मैसेजेस देना चाहते थे उसमें ये सक्सेसफुल हो रहे हैं, चेंजेस आ रहा है नहीं आ रहा है, ये सब कुछ अभी राहुल भाई बताएंगे। तो राहुल भाई गो अहेड। दरअसल 2 साल पहले हम लोगों ने एक थॉट लाया दिमाग में कि जो देश के अंदर जितनी भी ये ईव टीजिंग या रेप के केसेस होते हैं उनके खिलाफ हम कर क्या रहे हैं। आज के टाइम पर अगर कोई रेप होता है तो हम क्या करते हैं, कैंडल मार्च निकाल लेंगे या हम लोग रैलीज निकाल लेंगे, सरकार के लिए हाय हाय, पुलिस प्रशासन के लिए हाय हाय कर लेंगे, लेकिन ये गलत है। हम चाहते थे कि अगर बदलाव लाना है तो खुद को लाना पड़ेगा। तो हम लोगों ने इस चीज़ को शुरू किया था रक्षक को, हम चाहते हैं कि पब्लिक खुद आगे बढ़े और जो भी ईव टीजिंग के मामले हो रहे हैं, रेप के मामले हो रहे हैं, उनके खिलाफ अपनी आवाज़ उठाए। साथ ही साथ हम लोग सेल्फ डिफेंस भी सिखाते हैं, अगर किसी लड़की को कोई प्रॉब्लम है तो हम उनकी हेल्प भी करते हैं। जोधपुर के अंदर अब तक हम लोग इन 2 सालों के अंदर 75 से 80 केसेज ईव टीजिंग के सॉल्व कर चुके हैं। किसी को भी प्रॉब्लम होती है हम उनकी हेल्प करते हैं, और ये गारंटी है जोधपुर के अंदर बदलाव आ रहा है, इन चीज़ों को लेकर बदलाव आ रहा है। चलो थैंक यू सो मच राहुल भाई फॉर योर प्रेशियस 2 मिनट्स, थैंक यू, बहुत बिजी हो सॉरी। बट बस आप लोग सब लोग आइए इस वॉल पे, लोको वॉल पे, यहाँ पे स्वच्छता बनाए रखें, लोगों को भी मोटिवेट करें स्वच्छता बनाए रखें, इस मार्ग को बदलाव के मार्ग के रूप में लें, ताकि जो भी इसमें टॉपिक्स है उनके प्रति आपको जागरूक होने की जरूरत है। आइए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। ओके ओके भाई, सो गाइज हम मॉर्निंग से यहाँ पर हैं एंड इस बंदे ने मेरे को इतना बोर किया है मैं क्या बताऊँ। लाइक मॉर्निंग से लगा रखा और मैं शायद इसके पूँछ बन के घूम रहा हूँ। एंड ये है जो फसाद की जड़ है है ना। बट सीरियसली जो इनिशिएटिव लिया है इन लोगों ने,
सीरियसली बहुत ज़्यादा शानदार है एंड मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ जोधपुर में ये चीज़ें. लाइक सारी दीवारों पे मेरे को सीरियसली बोल रहा हूँ बहुत चीप सी लैंग्वेज है, सिर्फ मूड दिखता है. बट आज मैंने फर्स्ट टाइम देखा इतनी साफ दीवार. मतलब लोग पहले कचरा डालते थे यहाँ पे, इन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है. पूरी पूरी मतलब अराउंड 500 टू 600 मीटर्स का वॉल है, इन्होंने ऑलमोस्ट 15 दिन में कवर किया है. सीरियसली मतलब बहुत अच्छा एफर्ट है एंड आई गेस ये फर्स्ट एफर्ट होगा जोधपुर में, वो भी विदाउट किसी गवर्नमेंट की हेल्प के, इन्होंने खुद ने किया है. ओके गाइज, सो लेट्स एंड दिस व्लॉग एंड आई एम giving the camera to now enjoy some cinematic shots after this thing and bye bye, see you and thank you Jenny for all bye. The help mujhe thoda sa camera friendly karne ke liye, logo se introduce karwane ke liye, thank you so much, thank you. Bye bye, see you in our next vlog. Jaisa ki maine bol diya, enjoy some cinematic shots aur mere paas kuch cinematic shots hai nahi drama ke liye, to enjoy these kind of cinematic shots. भाई भी कौन सा ये करना है.